तो हेलो गाइस, माय नेम इज विशाल एंड यू कैन कॉल मी ओजी। आप आ चुके हैं ओजी रिएक्शन के यूट्यूब चैनल पे। भाई लाइक जैसा पता, मैं डेली बेसिस पे वीडियोस बना रहा हूँ, बट एज वी ऑल सीन कि भाई ये लाइक डिस गेम्स इंडिया में जो चल रहा है, DHS में चल रहा है, लाइक कि भाई SOS ने सीधे मौत को डिस कर दिया, सीधे मौत ने SOS को डिस कर दिया। उसके बाद भाई मैं एक चीज देख रहा था लाइक कि भाई जो इंडियन पब्लिक, जो भी DHS पब्लिक है, दे आर जस्ट स्टिल सीइंग द नंबर एंड वो भाई मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं। लाइक भाई मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, सिग्मो ने डिस्ट्रैक्ट किया, बहुत बढ़िया था, पर SOS ने प्रूव करके दिया, बराबर की प्रॉपर टक्कर दे रहे हैं। अभी इस बीफ का हम कोई नहीं बोल सकता है कोई भी। भाई सीधी बात वो है कि हमें तुम लोग उन लोगों में कंपेयर मत करो कि भाई जो एक ही बंदे को देखते हैं, देन जो अंधे फैन है, हम अंधे फैन नहीं, वी आर लिसनर्स भाई, हम DHS सुनने वाले आर्टिस्ट हैं। हम उस बंदे को भी सुनेंगे जिसके नंबर कम है, उसको भी सुनेंगे जिसके नंबर ज्यादा है। DHS में जब एमिवे और रफ्तार का बीफ हुआ था भाई, देन उस टाइम पे भी लोगों ने एमिवे को सुना था, बिकॉज रफ्तार का नाम बहुत बड़ा था, एमिवे को सुना था, देन ही वॉज एक्सप्लोड और सभी दुनिया को पता लगा कि एमिवे कौन है भाई। लाइक उससे पहले भी लोगों को पता था, ऐसा कुछ नहीं है, बट बीफ का मतलब ये होता है कि भाई दोनों बंदों को प्रॉपरली हाइप मिलनी चाहिए। एंड मैं एक चीज देख रहा हूँ भाई, DHS ऑडियंस में कुछ ऐसी ऑडियंस है जो SOS को सुननी नहीं रही है भाई, उनका दिस ही नहीं सुन रहे हैं भाई, लोग उनको सुनना ही नहीं पसंद कर रहे हैं। दैट थिंग इज डिफरेंट भाई, मैं तो सब चीजों से अलग हूँ भाई। मेरे को SOS के दोनों डिस्ट्रिक्ट बहुत सही लगे, एंड द काउंटर्स एंड हर चीज पे उन्होंने जो है वार बराबर का किया हुआ है। लाइक जो सीधे मौत एंड ऑनकोर ने अपने गानों में बोला था, मजा नहीं है कि भाई मैं सीधे मौत को छोड़ के एज़ोस की तरफ पे हूँ। भाई मेन थिंग इज दैट भाई, यू बोथ हैव द सिमिलरिटी एंड तुम दोनों एक जैसा करते थे, एंड तुम दोनों का फ्लो एक जैसा था। पास में तुम लोगों के साथ क्या हुआ है वो तुम लोग ही जानते हो, बट इन प्रेजेंट इफ आई कैन से समथिंग, तो भाई दोनों की टक्कर बहुत बराबर की जरूरी है। सीधे मौत का लेवल देख के अगर हम बात करें तो SOS ने बहुत बड़ी छलांग मारी है, एंड दिस इज अ ट्रू। अगर तुम लोग यकीन करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो ना करो, हम उसको छोड़ते हैं यहीं पर। भाई यंग सामी, भाई शाउट आउट टू यंग सामी ब्रो। सो दिस मैन इज नॉट इंडियन बट ही सिंग लाइक एन इंडियन। भाई ये बंदा इंडियन है भाई, हम इसको इंडियन ही बोलेंगे भाई। यंग सामी ब्रो भाई बहुत ही तगड़ा आर्टिस्ट है, एंड भाई लिट लिट गाना, ये 2 महीने पहले आया था इंट्रो, हम बहुत फेमस हुआ है, मैंने अभी तक ये पूरा गाना सुना नहीं है। सो लेट्स चेक एंड लेट्स गो विद द फ्लो। यंग सामी आवाज आ रही है क्या? हाँ Hey, Sammy on the track, boy. Okay, yeah. Let's go. It's young Sammy in the building. Young Jai. Okay, yeah. Let's go. It's young Sammy in the building. When I talk to you, better listen. I got big plans, I got big racks, and I pick the bag and I'm leaving. I'm leaving. It's young Sammy in the building. When I talk to you, better listen. I got big plans, I got big racks, and I pick the bag and I'm leaving. वो मैं केड़ी चीज जैसे विकेट ऑन, ये पूछे मुझसे वीरे तू है कौन, काफी दूर से आया पर बांधी मोज, ये पूछे हिंदी कैसे आती ब्रो, मैं कहीं हिंदी छोड़ पंजाबी कैसे आती ब्रो, कौन काफी दूर से आया पर बांधी मोज, ये पूछे हिंदी कैसे आती ब्रो, मैं कहीं हिंदी छोड़ पंजाबी बोल, तू गुजरी बोल हरियाणवी बोल, तू धार ले वे अपनी आंखें खोल, मो सारी आवे तू बस आगे बोल, इतने बंडे टीटी सारे बन गए मोल, मो पे टाइम कम है थोड़ा जल्दी बोल, मेरी बुद्धि फिर गई तेरा सर भी खोल। भाई द थिंग इज कि भाई ये बंदा पूरा मतलब मुंह पे टाइम कम है तो जल्दी बोल, भाई यार ये बंदा मैं कि यार ये यहीं का है, मैंने इतने अच्छे तरीके मतलब ठीक है, लैंग्वेज सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, स्लैंग सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, बट खुद को एक्सप्रेस उस वे में करना लाइक बिग थिंग, एंड ही इज डूइंग दिस। बंदे टीटी सारे बन गए मोर, मुंह पे टाइम कम है थोड़ा जल्दी बोल, मेरी बुद्धि फिर गई तेरा सर भी खोल, तेरा भाई परदाना मैं हल्की दो, मेरे भाई कहते तैने कर दी मौज, ये गोल करा मैंने मेरे भाई के दद्दे ने कर दिया सर भी खोल, तेरा भाई परदाना मैं हल्की दो, मेरे भाई कहते तैने कर दी मौज, ये गोल करा मैंने भर दी बोझ, तेरे भाई को चढ़ गई अब गाड़ी रोक, मुझे बीटी नहीं चाहिए बस चापू नोट, अपने दिल की बातें मैं लिखूं रोज, मैं मेहनत से आया नहीं डाले नोट, मुझे देख लेते अपनी गाड़ी मोड़, डोंट हिट मैन पहले काले कोट, 13 साल पहले आया इस देश में, घुमा दिया सीन जैसे बेब्लेड, आज सभी जाने मुझे नेम से, रुकी नजर रखा मैंने एम पे, असली रूप देखे मेरा स्टेज पे, करा सिस्टम भी आएगा तू देख ले, मेरी मां कैसी बेटा प्रे प्रे, ताकि खुदा मैंने तेरी देख ले, ये कहते सैमी थोड़ा ब्रेक ले, सपने करने पूरे जो भी देखे, बुराई करते मेरे पीठ पीछे सामने मेरे, खेलने लगते ब्लेम गेम, इस यंग सैमी इन द बिल्डिंग, व्हेन आई टॉक टू यू बेटर लिसन, आई गॉट बिग प्लान्स, आई गॉट बिग रैक्स, एंड आई पिक द बैग एंड आई लीव, इस यंग सैमी इन द बिल्डिंग, व्हेन आई टॉक टू यू
साथ पीछे बैठ चल, थोरियां भी बन रही है फैन गर्ल, मेरे मुंह पे बोल तुझ में है तब, मैं बोलता हूँ कम मेरा काम भारी, सबसे आगे रखूँ मैं ईमानदारी, साथ के लोंडे भी पूरी फर्रम, सब एक से एक कोई मानता नहीं, पहले लगता था कि कोई रास्ता नहीं, आज बंदा नहीं ऐसा जो जानता नहीं, अगर मुझमें भाई खानदानी, अरे खोड सा बैठा जो जानता नहीं, अरे लाइक अगर मुझे मेरे खानदानी, लाइक जस्ट ओह मैन भाई फ्लैक्स कर रहा है, लाइक ही इज एन इन मैन भाई. यंग सैमी ब्रो, मैं ये फर्स्ट सुन रहा हूँ ब्रदर, लिटरली मैं फर्स्ट सुन रहा हूँ. इसके पहले मैंने आपका कोई भी कसम से नहीं सुना था. मैंने आपको, मैं इंट्रोड्यूस हूँ आपसे, मैंने आपको पहले देखा हुआ है, मुझे पता है आपके बारे में, बट कसम से मैंने आपके गाने नहीं सुने थे. बिकॉज आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि भाई ये बंदा कुछ हिंदी में बीच में बोलता होगा, बाकी इंग्लिश रैप करता होगा, और इंग्लिश मेरे को प्रॉपरली समझ में आती है. तो भाई यार यहाँ से मतलब अलग ही लेवल का भाई, मतलब भाई ने मौज कर दी यार. बंदा नहीं ऐसा जो जानता नहीं, अकड़ मुझ में भाई खानदानी, अरे कौन सा बेटा जो जानता नहीं, अरे कौन सा बेटा जो मानता नहीं, अरे कौन सा बेटा जो कांपता नहीं, खुद के दम पे खड़ा हूँ यहाँ मैं, कभी मैं किसी की चाहता नहीं. इस यंग सामी इन द बिल्डिंग, व्हेन आई टॉक टू यू बेटर लिसन, आई गॉट बिग प्लान्स, आई गॉट बिग रैक्स, एंड आई पिक द बैग एंड आई एम लीव. इस यंग सामी इन द बिल्डिंग, व्हेन आई टॉक टू यू बेटर लिसन, आई गॉट बिग रैक्स, एंड आई पिक प्लान्स, एंड आई पिक द बैग एंड आई एम लीव. व्हेन आई टॉक टू यू बेटर लिसन, व्हेन आई टॉक टू यू बेटर लिसन. इंट्रो है देन भाई, द इंट्रो गाने का नाम इंट्रो था या फिर किसी एल्बम का इंट्रो था, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट दिस सॉन्ग इज टू गुड, बहुत मजेदार गाना था भाई. एंड एक्चुअल मैं तुम लोगों को बताऊं यार, ये गाना एंड लेवल का था, एंड भाई ने प्रॉपरली फ्लेक्स किया हुआ है इंडिया के लिए, अपने मतलब कल्चर को, हर चीज को, इंडियन कल्चर को प्रॉपर फ्लेक्स किया हुआ, अपने स्लैंग को, भाई को जो जो पता है. भाई ने बोला 13 साल पहले मैं इंडिया में आया, देन 13 साल में भाई ने जो सीखा उस हर चीज का फ्लेक्स प्रॉपरली अगर कोई बंदा कर रहा है, देन ही इज डूइंग द सेम थिंग. भाई होते हैं बाहर से लोग आते हैं, बट पूरी तरह से घुल मिल जाना इंडिया में, एंड जुबान, सोच, नजरिया, सब कुछ, सब कुछ लाइक इंडियन. एंड ही जस्ट सेइंग कि भाई मतलब मेरे को खानदानी है, ये अकर मुझ में खानदानी, दैट लाइन इज टू गुड मैन. एंड ऑल ओवर इज सेइंग भाई बहुत मजा आया, भाई बहुत मजा आया पूरे गाने में. एंड दिस वाज द इंट्रो, एंड यंग सामी, द यंग सामी इज अ जीनियस मैन. मैं आपके सारे गाने सुनूंगा मेरे भाई आपसे. दिस इज ऑल भाई, ये गाना किसने प्रोड्यूस किया, यंग सामी इंट्रो एंड लिसनर इंट्रो, किसने प्रोड्यूस किया, क्या ये क्रेडिट्स के डायरेक्टर समीर मलिक, डीओपी, एंड भाई ये तो वो दूसरा हो गया, प्रोड्यूसर हाई लाइफ एंड टैलेंट. हु इज द प्रोड्यूसर ऑफ दिस सॉन्ग, हु इज द फकिंग प्रोड्यूसर, हु इज द प्रोड्यूसर, भाई बहुत तगड़ा प्रोड्यूसर रखा ये गाना. सो आई डोंट नो हु इज द प्रोड्यूसर, दे हैडन मेंशन. सो अभी के लिए बस इतना ही भाई, दिस सॉन्ग इज टू गुड, आई होप तुम लोगों ने पहले सुन रखा होगा गाना, तुम लोगों को यह गाना पसंद होगा. अगर आप लोग हमारे रिएक्शन वीडियो पसंद करते हैं, प्लीज चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर फर्दर अपडेट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए, जय हिंद जय भारत. ओ वन गुड न्यूज भाई, मैं बताना भूल गया था, फर्स्ट ऑफ ऑल भाई तुम सभी को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुका है. यस यस, सो ऑल वी ऑल आर हैप्पी, एंड बहुत मजा आ गया. सो दिस वॉज द एंड ऑफ द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत.